हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका है हिंदी का। जैसा आपको पता है कि इस समय हम आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो एमपी टेट के एग्ज़ाम हैं वर्ग दो के, वो स्टार्ट हो रहे हैं 16 फरवरी से। तो चलिए आइए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का हमने ऑलरेडी ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया है, आज हम देख लेते हैं हिंदी का। 31st क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होगा, मुक्त होगा, भुक्त होगा या लिप्त होगा। गुप्त का मतलब होता है जो किसी को चीजें पता ना हो, ठीक है ना? तो राज वाली बातें होती हैं। तो यहाँ पे विलोम पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रकट होना, ठीक है ना? इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं। जो अगला है वो है कि गांठ का पूरा, यानी मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा जो है, उस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ लापरवाह, ईमानदार, दुकानदार या मालदार। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मालदार, ठीक है ना? क्या होगा? मालदार हो जाएगा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? यहाँ पे अनेकार्थक शब्द की बात चल रही है। गति, चाल, यानी और कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका लक्ष्य मतलब निकलता है? तो निशाना, उद्देश्य, नाम, बल, सही गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका निशाना, ठीक है ना? निशाना और उद्देश्य को ही हम क्या बोलते हैं? लक्ष्य बोलते हैं, क्योंकि अनेकार्थक शब्द की बात चल रही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो देखिए, सुधा का अनेकार्थक शब्द यहाँ पे हो जाएगा अमृत और पानी, ठीक है? अमृत और पानी जो है वो सुधा का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंख का अंधा नाम नयनसुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंख का अंधा नाम नयनसुख, नामकरण करना, गुण के विरुद्ध नाम का होना, आंख की रोशनी जाना, संतुष्ट होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण के विरुद्ध जाना, ठीक है? यानी गुण के विरुद्ध नाम का होना। आंख का तो अंधा है, लेकिन नाम क्या है? नयनसुख। जिसके नाक होते हैं उसको नयनसुख बोलते हैं, ठीक है? तो राइट आंसर दो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, 35 क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गए हैं, अब हम ऊपर की ओर आते हैं। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद को आपको क्या करना है? रीड करना है, और इसके बाद जो आंसर यहाँ पे दिए, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर देने हैं, ओके? तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद दिया है, फिर उसका क्वेश्चन हो गया कि पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। तो पेड़ पौधे देखिए हमें जो है जल नहीं देते हैं, भोजन देते हैं, हरियाली देखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन जल जो है वो हमें नहीं देते हैं, ठीक है? पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कविता शिक्षण की विधि है। कविता शिक्षण की विधि कौन सी? कविता शिक्षण की विधि है, कविता शिक्षण की विधि कौन सी है? तो देखिए, कविता में हम जनरली क्या करते हैं? अर्थबोध है, कौशल प्रणाली, लेखन प्रणाली, अक्षर बोध प्रणाली। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थबोध प्रणाली, क्योंकि कविता शिक्षण में हम अर्थ निकालते हैं। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि शब्द और विलोम की दृष्टि से? अब विश्लेषण शब्द हो गया, फिर उसका विलोम विवेचन, यौवन अवर्धक, लोलुप, संतुष्ट, एकांगी, सर्वांगीण। तो जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पहला, विश्लेषण और विवेचन, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कृति, रचना, अन्याय और अन्योय, परस्पर कृति और निष्कृष्ट पुरुष। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4, कृति और निष्कृष्ट पुरुष। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ पे आपको बताना है कि ईश्वर भक्त को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरिभक्त मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। राइट आंसर हो जाएगा ये 4, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना ही होता है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? वाक्य और भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं आपको।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये 4 हो जाएगा। अगर जिसका आंसर आपको लगता है कि यहाँ पे गलत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं ताकि सभी तक ये जो है आंसर इनके पहुँच जाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी, जिसका इलाज कठिन हो दुसाध्य, जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व हो प्रागैतिहासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी, तो उसे अपव्ययी नहीं कहते हैं, जो ज़्यादा खर्च करता हो उसको अपव्ययी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब गाना गाएंगी। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर तक नहीं आ सकूंगा, मैं क्या कहता, उसने पूछा तुम कहाँ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, नहीं के बाद यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं कि लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। जो यहाँ पे लोकोक्ति दी हुई है और जो उसका अभिप्राय मतलब है, तो कौन सा जोड़ा गलत है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, यानी इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। ओके, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से दूसरे छूट कर दूसरे विपत्ति में पड़ना, मतलब ये सही है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ये जो चौथे नंबर का है ये आपका गलत है। ओके, चलिए अब अगला आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर के क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चिरंतन शब्द तो मेरे ख्याल से देखिए शायद शाश्वत होगा, चिरंतन का मतलब बहुत पुराने समय से। फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उगमों में से कौन सा गलत है। रंग रंग जाना, यानी अच्छी तरह से परिचित होना, लोहा लेना सामना करना, रास्ता नापना आकलन करना, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, कौन सा गलत है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, लोकोक्ति दी है, उसका अर्थ दिया, कौन सा जोड़ा गलत है। अक्ल बड़ी या भैंस, यानी बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोस्त न मरकर दूसरों को मरना, ये तो बिल्कुल सही है। आंख कंधा नाम नया सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ये भी सही है। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, यानी कि यहाँ पे कौन सा जोड़ा गलत है। तो ये जो है 4 नंबर का, ये जो है गलत है। ठीक है, आ बैल मुझे मार का मतलब आप बैल को मारना नहीं होता, तो ये गलत है। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प, तो इसका जो राइट आंसर होगा उद्धन डयन, ये सही हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। इसमें जो सृष्टा है ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, आप भी देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में इसका राइट आंसर हो जाएगा देव समास। ठीक है, चौराहा में देव समास है। इन समासों को पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक है, जो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो प्लीज आप वहां पे जाके उसे वॉच कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, यानी गुप्त मंत्रणा होना। ठीक है ना, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, यानी खिचड़ी पकना। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। फ्रेंड्स मुझे इसमें डाउट लग रहा है, फिर भी अगर मैं अपना आंसर कहूँ तो अव्ययी भाव है, और आप देखिए और आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट्स कर दीजिएगा। स्वर किसका भेद है, वर्ण का, संधि का, समास का, लिंग का। तो देखिए स्वर जो है वो वर्ण का भेद है। ठीक है, किसका है, वर्ण का भेद है। चलिए फ्रेंड्स इसमें मैं ज्यादा क्लियर नहीं हूँ, तो आप इसका आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो बहुत आसान है, अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। और इसी तरह से अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट, उषा नगरी में कौन सा अलंकार है।
आई थिंक सेम, अगर मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे दूँ तो मेरे ख्याल से इसमें रूपक अलंकार होगा। प्लीज़ आप इसे वॉच करिएगा और इसके जरूर मुझे आंसर जो है आप वो कमेंट्स बॉक्स में करिएगा और बताइएगा। ऊष में वर्ण है, ऊष में वर्ण क्या है? तो देखिए ऊष में वर्ण जो है तो या रा ला वा के जो अंतर्गत आते हैं ऊष में वर्ण कहलाते हैं। और इसी तरह से मेढक का तत्सम रूप क्या होता है? तो मेढक का तत्सम रूप जो होता है वो मंडूक होता है। क्या होता है? मंडूक होता है मेढक का तत्सम रूप। और हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए दिग्गज का संधि विच्छेद जो है दिग्जन दि प्लस गज होगा, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर जो है आप हमें बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम आपको दे रहे हैं और ये 60 क्वेश्चंस आपके हिंदी के हो गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा जिसमें हम आपके लिए और भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके पास टाइम अब बहुत कम है। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।